गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रारंभ आपको डेप्रिसिएशन और क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पीछे जाके देख सकते हैं। और आज जो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 2024 का एडिशन है और टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 13 अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर द फाइनेंशियल ईयर। जब भी क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो ईयर दो तरह के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, एक होता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जो चलता है वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल ईयर दिया है तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। ठीक है, उसने कहा फाइनेंशियल ईयर में परचेज की 1 जुलाई 2021 को 30,000 रुपए की मशीन खरीदी, यानी कि जो मशीनरी परचेज कर रहा है तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे डेट ऑफ परचेज। याद रहेगा आपको आपने कौन कौन सी डेट को मशीन खरीदी। पहली मशीन खरीदी आपने 1 जुलाई 2021 को, कितने की खरीदी आपने 30,000। फिर देखें इट परचेज फर्दर मशीनरी 1 जनवरी 2022 20,000, 1 जनवरी 2022 को आपने 20,000 की खरीदी, फिर 1 अक्टूबर को 10,000 की खरीदी, 1/10/2022 को 10,000 की खरीदी। क्या मैं मान लूं यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, चलिए फिर इसके बाद देखें 1 अप्रैल 2023 को 1/3 मशीनरी जो इंस्टॉल की गई थी 1 जुलाई 2021 को बेकार हो गई, उसको 3,000 रुपए में बेच दिया। यानी कि इस मशीन की बात कर रहा है, इस मशीन को वो सेल कर रहा है 30,000 का 1/3 पार्ट। कितना 1/3 पार्ट कितना होता है 10,000, इसको कितने में सेल कर रहा है 3,000 में। समझ में आ गई बात? दोबारा समझाऊं? आ गई? यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं स्टूडेंट, 1/3 का नाम सुनते 1/4 1/3 में कंफ्यूज मत हो। उसने 1 जुलाई 2021 को कौन सी मशीन खरीदी थी, 30,000 की खरीदी थी। इसका 1/3 पार्ट कितना हुआ 10,000, इसको कितने में बेच दिया। बाकी प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन तो हम बाद में करेंगे, अभी जरा पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। फिर ये कह रहा है शो द मशीनरी अकाउंट वुड बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ कंपनी इट गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिसिएटेड बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या है, या स्ट्रेट लाइन मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट, ये तीनों एक ही नाम है। 10% व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट 1 अप्रैल 2024 को मशीन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आसान है, सबसे पहले हम मशीनरी वन का डेप्रिसिएशन लेते हैं। मशीन वन का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा, 30,000 की मशीन है, 10% निकलता है 3,000 रुपये पर ईयर। ठीक है, लेकिन अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर लगेगा डेप्रिसिएशन 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 तक का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 3,000 है, 9/12 अगर हो गए 2,250, कितना आएगा 2,250। समझ में आ गए यहाँ तक? Yes, ये फर्स्ट ईयर लगेगा और ये लगेगा सेकंड ईयर से। ठीक, पहले साल क्योंकि जुलाई में खरीद रहे हैं तो जुलाई से मार्च तक कितने महीने हुए, 9 महीने, तो पहली वाली मशीन पे निकलेगा 9 महीने का डेप्रिसिएशन। दूसरी कब खरीद रहे हैं आप, जनवरी में, मशीनरी सेकंड को जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो 20,000 निकलेगा, सॉरी 20,000 रुपये लगेगा। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100। मशीनरी टू है 20,000 की, तो इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 2,000 पर ईयर के हिसाब से। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 20,000 पे कितना 3/12 2,000 रुपये, इस पर 2,000 आया डेप्रिसिएशन। मशीनरी कब खरीदी गई थी, जनवरी में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो तो कितना आएगा 500 रुपये। यानी कि फर्स्ट ईयर जो लगेगा वो ये लगेगा और सेकंड ईयर ये लगेगा सेकंड ईयर से। ठीक है, मशीनरी थर्ड देखें, मशीनरी थर्ड पे डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा,
10,000 पे 10% निकलता है, 1,000 रुपये पर ईयर, लेकिन ये लगेगा सेकंड ईयर से। लेकिन अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करता हूं तो फर्स्ट ईयर में क्या लगेगा, अक्टूबर में, अक्टूबर के हिसाब से चलो तो 1000 इंटू 6/12, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2023, ये 2022 है, तो 6 महीने का कितना आएगा, 500 रुपये फर्स्ट ईयर। दोबारा समझाओ, ये आ गया समझे, आ गया। देखो यहाँ डेट देखो, पहली मशीन खरीदी जुलाई में, इसमें 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, ये 3 महीने का लगाएंगे, इस पर 6 महीने का लगाएंगे क्योंकि अक्टूबर में खरीद रहे हैं, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने हुए। फर्स्ट ईयर ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लगा देते हैं 10%, तो ये गलती मत करना, 10% तो लगाना है, लेकिन पहले साल यहाँ पे 9 महीने का लगेगा, इस वाली मशीन पे 3 महीने का, इस वाली मशीन पे 6 महीने का, उसके बाद पूरे साल का लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बेचा कैसे है उस सब मैं आपको अभी कैलकुलेशन करके बताऊंगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले कब खरीदी, अब किताब की जरूरत नहीं है, अब हमारे बोर्ड पे ही क्वेश्चन आ गया, 1 जुलाई 2021 को मशीन खरीद रहे हैं, 1 जुलाई 2021 को खरीद रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में परचेज, कितने का खरीद रहे हैं, 30,000। इसी साल एक और खरीद रहे हैं, 1 जनवरी 2021 को ही टू कैश अकाउंट, ये भी परचेज, 20,000। ईयर एंड आ रहा है 31 मार्च 31/3/2022 बाय डेप्रिसिएशन मशीनरी वन पे, मशीनरी टू पे, मशीनरी वन पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 2250 लिखेंगे यहाँ पे, मशीनरी टू पे फर्स्ट ईयर कितना लग रहा है, तो 2250 प्लस 500 कितना हुआ, 2750। यहाँ तक समझ में आ गया, फिर यहाँ पे बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरी डाउन 31/3/2022 टोटल करो इसका, 320 कितना जाएगा, 50,000, 50,000 में से माइनस करो 2750, तो ये आ जाएगा 46,250, 47,250, ये आ गया हमारा 50,000। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट है पूछो, समझ में आ गया। अब ये बैलेंस को हम क्या करेंगे, ओपनिंग करेंगे 1/4/2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 47,250। ठीक है, 47,250 पे अब यहां देखें, अक्टूबर में एक और मशीन खरीद रहे हैं, 1/10/2022 को एक मशीन और खरीद ली टू कैश ब्रैकेट में परचेज 10,000 की। अब ये जो मशीन बेच रहे हैं ये कब बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 को बेच रहे हैं, ये जो बेच रहे हैं कब बेच रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 को सेल कर रहे हैं, तो अभी तो नहीं बेच रहे हैं, इसका मतलब 2023 मतलब मार्च के बाद बेच रहे हैं, तो अब 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे, 31/3/2023 को सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी वन, मशीनरी टू, मशीनरी थ्री। मशीनरी वन पे अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा बताओ, 3,000, बिल्कुल सही, और दूसरी मशीन पे कितना लगेगा, 2,000, और तीसरी मशीन पे 500। यहाँ देखो, पहली मशीन पे पहले सेकंड ईयर कितना लगना है, 3,000, इस वाली पे देखो कितना लगना है, 2, लेकिन ये जो तीसरी मशीन है क्योंकि ये खरीदी गई थी हमारी अक्टूबर में, तो इस पे 6 महीने का कितना है, 500, उसके बाद पूरे साल का लगेगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 5,000
500, अब टोटल करेंगे कितना जाएगा, 57,250 रिमेनिंग आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 57,250 में से 5,500 रुपये डेप्रिसिएशन के माइनस करो कितना आएगा, हाँ 52,250 समझ में आ गया या मैं समझाऊं, चेक कर लेते हैं बाहर में, 57,250 माइनस 5,500 51,750 आएगा, 51,750। मुझे तुम्हारी कैलकुलेशन पे यकीन था कि तुम ऐसे ही कुछ करने वाले हो। अब यहाँ पे 1/4/2023 को बैलेंस आएगा, अब ये वाला यहाँ तक तो आप सभी कर लोगे, यानी कि जो इस टाइम ऑनलाइन व्यूअर्स है जो देख रहा है उसे कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे बस एक छोटी सी गलती कर जाते हैं बच्चे, ये मन से ध्यान नहीं रखते, बस यहाँ तक तो सभी कर लेते हैं। अब इस साल हम मशीन को सेल आउट कर रहे हैं और मशीन सेल कर रहे हैं वो भी 1/3 पार्ट, और स्टार्टिंग में बेच रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा नहीं। कितने में बेच रहे हैं, 1/4/2023 को हम उसको सेल कर रहे हैं बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में सेल, कितने में सेल कर रहे हैं, लेकिन ये मशीन की वैल्यू कितनी है हमें वो देखना होगा। ये जो डेप्रिसिएशन लगा है इसका भी 1/3 करते चलो, समझ में आया। अब ये देखो कि हमारे को मशीन पे डेप्रिसिएशन कैसे लगा है, क्योंकि हम इसे 3,000 में सेल कर रहे हैं, ये तो सेल कर रहे हैं 3,000 में। अगर आप देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 2,250 एक लगा है और 3,000 एक लगा है। जो मशीनरी वन है उस पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 2,250 एक लगा है प्लस 3,000 एक लगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा, 5,250। इसका भी 1/3 करो भाई, 1/3 पार्ट ही तो बेच रहे हो। ये जो डेप्रिसिएशन है वो 30,000 का है, ये जो डेप्रिसिएशन है वो कितनी वैल्यू का है, 30,000 का, हम तो 10,000 बेच रहे हैं ना, यानी कि इसका 1/3, तो डेप्रिसिएशन भी तो 1/3 होगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन का 1/3 कर दो। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हमारा, 5,250 का डिवाइडेड करो 3 से, 1,750 आएगा, कितना आएगा 1,750, ये आया हमारा 1,750। अब आप देखो मशीन की जो वैल्यू है, जो मशीन है फर्स्ट मशीन है वो कितने की थी हमारी, 10,000 की, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हमने, 1,750, तो कितनी वैल्यू बची थी इसकी बताओ, 10,000 में से 1,750 माइनस करो, 10,000 माइनस 1,750 वो आया 8,250, कितना आया था 8,250 की मशीन को हमने कितने में सेल कर दिया, 3,000 में, कितने में कर दिया 3,000 में, ठीक है, तो लॉस कितना आ गया, 5,250 का क्या आ गया लॉस, तो यहां पे आ जाएगा बाय लॉस या बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखोगे और ब्रैकेट में कर दो लॉस, कितना 5,250, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब आपके पास 31 मार्च को डेप्रिसिएशन निकालना है, 31/3/2024 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब बताओ मशीनरी वन पे कितना लगेगा, मशीनरी टू पे और मशीनरी थ्री पे, मशीनरी वन का तो 1/3 बेचा है ना हमने, तो 2/3 तो अभी भी बचा है, तो डेप्रिसिएशन कितना लग रहा था, 3,000 लग रहा था, तो इससे से 1/3 निकाल दिया, कितना बचा है 2,000, तो मशीनरी वन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 2,000, और यहाँ पे कितना लग रहा है 2,000, और इस पे अब कितना लगेगा 1,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन 2, 2, 4 और 1 5,000, और ये रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा
बैलेंस, और यही हमें आंसर में पूछा है कि 31/3/2024 को मशीन की वैल्यू क्या बचेगी, तो टोटल करोगे 51,750 में से ये सारा माइनस कर दो, 51,750 कर लिया कैलकुलेट, यही आ रहा है आंसर। इक्यावन सात सौ पचास माइनस 3,000 माइनस 5,250 माइनस 5,000 38,500 बचेगा, और टोटल करोगे 51,750 इसका टोटल आ जाएगा। अभी कोई डाउट्स है तो पूछ लो साथ के साथ, कहीं कंफ्यूजन आ रहा है, कोई कंफ्यूजन अवनीश, कहीं कंफ्यूजन है थोड़ा सा बेटा घुटनों पे जोर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, नहीं है दिमाग या क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम्स, हाँ लॉस वाला बिल्कुल, ये चीज यही चीज होती है। देखो जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं वो बेचारे पूछ नहीं सकते, आप लोग जो पूछोगे आप तो लाइव क्लास में बैठे हुए हैं, हो सकता है जो आपकी प्रॉब्लम्स हो वो उनकी भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है ना। अभी देखो उसने कहा यहाँ पे एक जो बात कही है, 1 अप्रैल 2023 को उसने 1/3 मशीनरी बेची है, वो जो खरीदी गई थी 21 में खरीदी 30,000 की, तो इसका 1/3 कितना बैठा 10,000, 30,000 का 1/3, 30,000 का 1/3 कितने में बैठा 10,000 बैठा ना, और 10,000 की मशीन कितने में बेच रहे हो 3, तो सीधा सीधा तुम्हें वैसे दिख रहा है कि 7,000 का लॉस, नहीं नहीं इसमें डेप्रिसिएशन भी तो लगा है। अब हमने डेप्रिसिएशन पूरे साल का कितना लगाया पूरी मशीन पे 2,250, अगले साल कितना लगाया 3,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा हमारा 5,250, ये लिख दिया ना मैंने, 2,250 एक लगा, 3,000 एक लगा, 5,250 तो पूरी मशीन पे लगाया, तो इसका 1/3 कितना रहा होगा 1,750, क्योंकि 1/3 ही तो बेच रहे हैं तो 1/3 डेप्रिसिएशन ही तो लगेगा, जब मशीन 1/3 कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन भी 1/3 करो, तो 10,000 की मशीन है उस पर 1/3 डेप्रिसिएशन कितना है 1,750, तो यहाँ पे आगे वैल्यू कितनी 8,250, 8,250 की मशीन 3,000 में सेल कर रहे हैं तो लॉस कितना आ गया 5,250 का, अब बताओ आ गया। लेकिन जब आप 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 3,000 का 1/3 1,000 होता है, वो चला गया तो बचा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है 2,000, तो अगली वाली मशीन पे तो पूरे साल का ही लगना है और अगली वाली मशीन पे भी पूरे साल का लगना है, ये कैलकुलेशन मैंने तो यहीं कर रखी है सारी, ठीक है समझ में आ गया। और कोई डाउट्स कोई कन्फ्यूजन, और ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, और कहीं भी कोई डाउट आता है तो बेटा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जल्दी इसके एक वीडियो बना के जरूर दूंगा और उनके रिप्लाई भी करूंगा। थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।